हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मृति व्लॉग्स। मैंने कुछ दिन पहले ब्रेज़ा ली थी, तो उसका ही रिव्यू डाल रहे हैं कि क्यों ली थी ये मैंने ब्रेज़ा, क्योंकि मेरे पास पहले भी ब्रेज़ा ही थी। तो अक्टूबर 2 को मैंने बेची थी अपनी ब्रेज़ा। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने मैंने 4 बार गाड़ियाँ बुक की और अलग अलग गाड़ियाँ बुक की, और फाइनली फिर से ब्रेज़ा ही लेके आ गए। तो इतनी अच्छी लगी ये गाड़ी, क्यों ली? सबसे पहले तो इसकी लुक बड़ी अच्छी है। जो नई वाली ब्रेज़ा आई थी, तो जब मैंने अपनी ब्रेज़ा बेची थी पुरानी, तभी मैंने सोचा था कि मैंने ये नई लेनी है, पुरानी बेच के नई लेनी, क्योंकि उसको 4.5 साल हो चुके थे। तो तब मैंने सोचा था कि चलो 4 साल 4.5 साल हो गए हैं, तो अपडेट करते हैं गाड़ी। तो उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले ब्रेज़ा बुक नहीं की, फिर प्लान चेंज हो गया। फिर ऐसे प्लान चेंज होते गए गाड़ियाँ बुक होती गई, 3-4 गाड़ियाँ बुक कर दी, और फाइनली ब्रेज़ा ही आनी थी, तो यही आई है। सबसे पहले तो इसकी लुक अच्छी है, उसके बाद इसकी माइलेज काफ़ी अच्छी मानी जाती है मारुति की, और मैंने रोज़ चलानी होती है ये गाड़ी। मेरी डेली की रनिंग है 70, 75, 80 किलोमीटर, 100 भी हो जाती है कई बार, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को फिर यही चाहिए थी, मारुति की गाड़ी ही चाहिए थी कि आराम से चलाओ और ठीक एवरेज हो, और 4-5 साल चला के फिर देखेंगे इसका क्या करना है। तो इसीलिए मैंने ये की फिर। बाकी कंफर्टेबल बहुत है ये, कंफर्ट के मामले में तो बेस्ट है, फैमिली कार बेस्ट है ये इंडिया में। थोड़ी एसयूवी लुक भी आती है इसकी, अब तो थोड़ी और ऊंची कर दी है, बोनट देखो थोड़ा सा और ऊंचा कर दिया है, और कंफर्टेबल है, 5-6 बंदे आराम से बैठ जाते हैं इसमें। चलो मैं दिखाता हूँ आपको कंफर्टेबल इसका। डोर नॉइस देखो कितना सही है, थर्ड साउंड। इसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, इसकी कुशनिंग बड़ी अच्छी है, थाई सपोर्ट बड़ा सही है, थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी कुशनिंग है। देखो और गाड़ी के अंदर स्पेशियस फील होता है पूरा, काफ़ी अच्छी स्पेस है। पिछली ब्रेज़ा से थोड़ी बेटर रही है क्वालिटी में, ये प्लास्टिक थोड़ी बेटर लगती है मेरे को, उसमें टच स्क्रीन भी नहीं थी, तो इसमें टच स्क्रीन भी है, और ऑटोमेटिक एसी है, मिरर्स भी अंदर से ही फोल्ड होते हैं ये वाले, उसमें नहीं थे, वीडियो में नहीं थे। और स्पेशियस है, और जो मैंने पहले और इसके इसको बुक करते टाइम मैंने और गाड़ियाँ देखी थी, वो एक देखी थी इस रेंज में, मतलब ब्रेज़ा वाली रेंज में एक वेन्यू देखी थी, पर वो अंदर से बहुत कंजस्टेड थी, बहुत टाइट थी। तो इसमें देखो कितनी स्पेस है, कितना बड़ा डैशबोर्ड दिख रहा है, उसका तो डैशबोर्ड छोटा सा लग रहा था, इतनी जल्दी ख़त्म हो रही थी वो, और अंदर से मेरे को बड़ी कंजस्टेड सी लग रही थी वो। डीजल में थी वैसे अवेलेबल, बट ब्रेज़ा इज़ मच बेटर देन दैट वेन्यू। नेक्स्ट इसकी माइलेज, इसकी ये भी स्मार्ट हाइब्रिड में आती है, तो इसकी माइलेज ठीक है, 20 तो कंपनी क्लेम करती है, और निकल जाती है वैसे 18-19 तो निकल जाती है, बट मैंने एक्चुअली थोड़ी वैसे ही सोचा था कि अलॉय व्हील नहीं डाले हैं कभी गाड़ी में, तो चलो डालते हैं, तो इसीलिए मैंने मॉडिफिकेशंस करा दी इसमें, तो मेरे को ये फिर अभी एवरेज कम दे रही है थोड़ी। एलॉय व्हील्स मैंने डाल दिए इसमें 18 इंचेस के, ये वाले ये मैंने डाले हैं नियो के एलॉय व्हील्स 18 इंचेस। तो इसकी टायर प्रोफाइल है ये, कहाँ गई ये थी, और 18 265 40 ZR 18। तो ये मैंने अपने नेक्स्ट डे ही कर दिए थे, जब गाड़ी ली थी उसके नेक्स्ट डे ही,
लिए थोड़ी एवरेज कम दिख रही है मेरे को, 15.5 दे रही है स्क्रीन पे। बाकी लुक्स बहुत अच्छी हैं इस गाड़ी के, लुक्स के चक्कर में मैंने अपनी पुरानी ब्रेजा बेची थी कि ये गाड़ी आ रही है तो ये लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग एंड करते हैं। आप बताना कैसी लगी आपको इसके अलॉय व्हील्स की लुक, और कैसी लगी आपको गाड़ी की चॉइस। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।